हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। वेलकम स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12, ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी चला जा रहा है, आप लोगों को पता है कि प्रथम प्रश्न पर चल रहा है इस टाइम, तो अध्याय 6 ये है तत्वों के निष्कर्षण, ये इसका भाग नंबर 5वां है। इसके पहले हमने इसके 4 पार्ट के वीडियो अपलोड कर दिया, अगर जिसने देखा है उसके लिए अच्छी बात है और नहीं देखा है जिसने वो जाकर देख ले, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आज के इस टॉपिक में हम बात क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम भट्टियों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आप लोग को टाइम टेबल तो पता ही है, नहीं पता है तो चलिए टाइम टेबल नोट कर लीजिए, शाम को 8 बजे, ठीक है, 8 से 9 के बीच में केमिस्ट्री का क्लास चलाया जाता है, तो आप अपने टाइम पे आके एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भट्टियां क्या होती हैं, भट्टियां कौन सी होती हैं, कौन सी भट्टियों का क्या काम होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले भट्टियां समझते हैं, भट्टियां होती क्या है, ठीक है। तत्वों के निष्कर्षण के लिए निम्न भट्टियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो भट्टियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तत्वों के निष्कर्षण के लिए। अब देखिए आप वो वाला भट्टी मत समझिएगा जिसमें दाना वाना बूझते हैं, वो वाला भट्टी नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ तत्वों के निष्कर्षण में यूज होने वाली भट्टियों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए जिसने वीडियो को नहीं देखा है पिछले वाले वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसके आगे देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके पहले की वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला है परावर्तनी भट्टी। अब इसको क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे भट्टियों के बारे में, काफी भट्टियों के बारे में जानते होंगे। चलिए तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको भी समझ में आ जाएगा और जो पढ़े हैं उसको तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज हम लिए हैं, आज के टॉपिक में एक ही भट्टी लिए हैं, परावर्तनी भट्टी। तो इसको हम फिगर बनाकर और फिगर द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब पहले समझ लेते हैं पहले परावर्तनी भट्टी होती क्या है, ठीक है, पहले परावर्तनी भट्टी होती क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए परावर्तनी भट्टी में अयस्क सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है। तो जो परावर्तनी भट्टी में अयस्क जो होता है वो सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं जाता है, मतलब जो ज्वाला उसमें निकल रही होती है, अग्नि जो होती है वहां पे उसके संपर्क में सीधा नहीं आता है, बल्कि गर्म गैसों भट्टी की दीवारों से परावर्तित होकर अयस्क से टकराता है, इसलिए इससे अयस्क टकराता है, इसलिए इस भट्टी को परावर्तनी भट्टी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो चलिए देखिए हम अभी फिगर बनाएंगे और उस फिगर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। तो देखना चाहते हैं आप, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं, परावर्तनी भट्टी होती क्या है, कैसी होती है, आपके सामने ही बनाएंगे हम, ठीक है। तो परावर्तनी भट्टी बनाना आप भी सीख लेंगे तो अगर एग्जाम में आ जाएगा 3 नंबर में कि परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, चलिए तो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम, चलिए तो अब हम भट्टी बनाकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए भट्टी बनाने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो देखिए तो पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है, आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्या लगा होता है, यहां पे ये लगा होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है हम अभी आपको बता देंगे, ठीक है, ये होता है, इसका नाम होता है हापर, क्या कहते हैं इसको,
उसको कहते हैं हापर, जहां से अयस्क को गिराया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे बनेगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो फिगर आप बनाना सीख लीजिए। देखिए आपको बनाना है, हमको नहीं बनाना है पेपर में। ठीक है, अगर आ जाएगा तो आप ही को बनवाना है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जितनी भट्टियां बताएंगे हम आपको, उतनी भट्टियों का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हम एक सीधा लाइन ये वाला खींच कर लाएंगे नीचे। तो हम ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम परावर्तनी भट्टी का चित्र। समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इनको मिलाएंगे, अब हम इनको यहां से ऐसे मिला देंगे पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए फिगर में कुछ है नहीं वैसे, अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल चीज हो सकता है। अब क्या करेंगे, हम यहां से इसको मिलाएंगे, तो इससे मिलाते हैं तो थोड़ा सीधा होगा, टेढ़ा नहीं होगा। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, ये हो गया। और ले लेते हैं एक लाइन, इधर से लेते हैं, ये हो गया आपका, नीचे वाली लाइन से मिला देंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है फिगर, चलिए देखिए कैसे बनाते हैं परावर्तनी भट्टी। तो अब हम इनको करेंगे ऐसे और इनको ऐसे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको भी ऐसे कर लेंगे, भट्टी तो भट्टी लगना चाहिए ना। तो ये हो गया इधर, अब क्या होगा, इधर भी ऐसे कर लेंगे। ध्यान से देखिए, आज परावर्तनी भट्टी का नाम है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम यहां पे करेंगे एक चूल्हा बना दे थोड़ा सा, जो होता है तो कैसे होता है देखिए, ये हो गया। ठीक, और हो जाएगा ये, और इनको ऐसे करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर ऐसे, सॉरी फिर ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे, सॉरी सॉरी देखिए ये थोड़ा लंबा हो गया, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बनाएंगे चूल्हा, इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा चूल्हा। ठीक है, अब वो अपने घर वाला चूल्हा मत समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ये भट्टी में जो चूल्हा होता है, ठीक है, अब क्या रहेगा, इसी में जो आपका रहेगा, क्या रहेगा इसी में, इसी में रहेगा अयस्क, जो आपका अयस्क रहेगा वो किस में रहेगा, यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा अयस्क, इसको लिख देते हैं, ये हो गया अयस्क। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, ये आपका है ईंधन। ठीक है, ईंधन, ये हो गया ईंधन। ठीक है, और ये क्या होता है, यहां से होता है, यहां से हवा प्रवाहित करेंगे, हवा जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, ये तो हापर है आपको पता चल गया, और इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। अब क्या होता है समझिएगा एक बार फिर से। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये फिगर बनके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तैयार हो गया, ये परावर्तनी भट्टी का फिगर हो गया। अब इसको हम समझा देते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो परावर्तनी भट्टी में जो अयस्क होता है उसे यहां से हापर से गिराते हैं। ठीक है, ये हापर से जब गिराएंगे इनको, तो ये सीधा ज्वाला के संपर्क में नहीं जाते हैं, सीधा यहां नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पहले पहले गांव भर घूम लेंगे, मतलब यहां पहले दौड़ लेंगे खूब। ठीक है, तो परावर्तित होते होते तब आएंगे कहां पे, संपर्क में नहीं आता है, बल्कि जब गर्म गैस भट्टी में दीवारों से पर, जब ये भट्टी की दीवारें हैं तो यहां से परावर्तित, पहले यहां जाएंगे, यहां लड़ेंगे, फिर यहां जाएंगे, यहां लड़ेंगे, फिर यहां लड़ेंगे, फिर यहां परावर्तित होते होते
तब आएंगे यहां पे, यहां आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा जब इसको गर्म करेंगे, तो जब टकराते, इस जब ये टकराता है, जो टकरा कर आते आने का प्रक्रिया होता है, इसी के कारण इस भट्टी को परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी मतलब परावर्तित होने के बाद आती है, यहां लड़ती है, फिर यहां टकराती है, फिर यहां टकराती है, तो ये परावर्तन की क्रिया होती रहती है, इसलिए इसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं, ठीक है। अब परावर्तनी भट्टी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको समझेंगे। तो इसमें क्या क्या खास बातें होती हैं, तो आपको परावर्तनी भट्टी समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करें और आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ लीजिएगा, यहाँ पे हॉपर है, इसमें दिखा दीजिए डायरेक्शन की, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अयस्क को गिराया जाता है, ठीक है। जब गिराया जाएगा तो यही अयस्क क्या है, सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है, बल्कि इन दीवारों से, भट्टी के दीवारों से टकराते हुए, परावर्तित होते हुए अयस्क इस आता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, परावर्तनी भट्टी कहते हैं। ये तो पता हो गया। चलिए तो अब देखिए आगे, आगे क्या है, इस भट्टी के प्रमुख भाग निम्न होते हैं। इस भट्टी के कौन कौन से भाग होते हैं हम उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे हापर होता है, तो हापर का काम क्या होता है ये समझाएंगे आपको, हम हर टॉपिक के बारे में इसमें समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है इसमें, जो प्रमुख निम्न बातें थी, तो पहला है अग्नि स्थान, ठीक है। अग्नि स्थान मतलब इस स्थान पर ईंधन को जलाया जाता है, ठीक है। तो जो अग्नि स्थान होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो ईंधन होता है उसे जला दिया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अग्नि स्थान, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या है, चूल्हा। अब चूल्हा क्या होता है, अब आप घर, अपने घरों की बात करेंगे तो चूल्हा आपके घर में जो होता होगा वो खाना बनाने के काम में आता होगा, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें चूल्हा क्या होता है, इस स्थान पर, कौन से चूल्हा जो होता है, इस स्थान पर एक बड़े पात्र में, मतलब पात्र मतलब बर्तन, एक बड़े पात्र में अयस्क को रखा जाता है। पहले क्या करेंगे, इस स्थान पर एक बड़े से बर्तन में अयस्क को रख लिया जाता है, जिसे हापर द्वारा समय समय पर, अब देखिए आ गया ना आपके सामने हापर, अभी हापर का अभी इसके बाद टॉपिक है तो उसको हम बता देंगे अच्छे से। हापर द्वारा समय समय पर गिराया जाता है, इस भट्टी में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं, जो होती हैं, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं होती हैं। आगे सुनिए, ऑक्सीकरण के लिए वायु की धारा प्रवाहित करते हैं, जबकि अपचयन के लिए अयस्क में कोक मिलाया जाता है, ठीक है। तो जो अपचयन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण के लिए वायु में क्या होगा, धारा प्रवाहित करेंगे ऑक्सीकरण के लिए, और अपचयन के लिए क्या करेंगे, जो अयस्क है उसमें कोक मिला देते हैं, मतलब कार्बन, ठीक है। आगे देखिए समझ में आ गया चूल्हा, चलिए ये समझ में आ गया। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हापर। देखिए आखिर में हापर आ ही गया, तो हापर क्या होता है ये समझ लीजिए। ये परावर्तनी भट्टी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो परावर्तनी भट्टी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हापर एक था, ऊपर देखे थे आप ऐसा सिंबल बना था, ऐसे बना था भट्टी के ऊपर, तो उसी को हम बोल रहे थे हापर। क्या बोल रहे थे इसको, हापर बोल रहे थे, ठीक है। तो हापर का काम क्या होता समझ लीजिए, यह चूल्हे के ठीक ऊपर होता है। अभी हम आपको दिखाए फिगर थोड़ी देर पहले, तो कहां था, चूल्हे के ऊपर था, ठीक, सही कह रहे हैं ना। चलिए तो यह चूल्हे के ठीक ऊपर होता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस हापर के द्वारा धान को चूल्हे में गिराया जाता है। जो भी अयस्क होते हैं उनको क्या किया जाता है, चूल्हे में गिराया जाता है, किसके द्वारा, हापर के द्वारा, यानी हापर के माध्यम से जो अयस्क होते हैं उनको ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है। किसमें गिराया जाता है, चूल्हे में गिराया जाता है। तो जिससे जिसके माध्यम से गिराया जाता है उसको क्या कहते हैं, हापर कहते हैं। तो ये हो गई अब आपके सामने हापर की बात। अब चिमनी आता है, चिमनी क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो ये लास्ट टॉपिक है चिमनी, बड़ा अजीब सा नाम सुनने को लग रहा है लेकिन आप लोग को पता होगा चिमनी क्या होता है। यह भट्टी के, ठीक है, यह भट्टी के सिरे पर स्थित होता है। तो जो है यह भट्टी के क्या, भट्टी के सिरे पर स्थित होता है, कौन, चिमनी, जिससे क्या करते हैं,
इससे व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। जो व्यर्थ गैसें होती हैं, खराब गैसें होती हैं, वो क्या होती हैं, इससे बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब चिमनी खत्म हो गया, चिमनी हो गया तो इसके आगे क्या लिखा है, इस भट्टी द्वारा निस्तापन और भजन की क्रियाएं होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कीजिए तुरंत। क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहां से सवाल, यहां से क्वेश्चन बन रहा है कैसे कि जो परावर्तनी भट्टी होती है उसमें कौन सी क्रिया होती है या कौन सी क्रिया संभव होती है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दो नंबर में, ज्यादा नहीं दो नंबर पूछेगा। तो आपको अगर पता होगा कि परावर्तनी भट्टी में निस्तापन और भजन की क्रियाएं दोनों कराई जा सकती हैं, किसमें, परावर्तनी भट्टी में, तो आप यहां से एक दो नंबर का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए तो अगर आपको इतना समझ में आ गया वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज अगले वीडियो के लिए हम आपको जल्द से जल्द बना देंगे, और कोशिश रहेगा कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि अब समय आपके लिए पर्याप्त नहीं रह गया है, फिर भी पढ़ाई भी तो बहुत करना है आप लोग को। तो ठीक है, हम जल्द से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल तो फ्राइडे है, कल चलेगा आपका हिंदी चलेगा और इंग्लिश चलेगा, ये तो आपको पता है। तो कल के लिए तैयार रहिए, और इस टॉपिक को लेकर, इसके अगले वाले टॉपिक को लेकर हम मिलते हैं आपसे अगले वीक में। ठीक है, तब दो दिन आप थोड़ा इंग्लिश हिंदी का भी मजा ले लीजिए, क्योंकि ये भी चलता रहेगा तो आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे जो टॉपिक आएगा उसके बारे में जिक्र कर थोड़ा। तो ये तो हो गया परावर्तनी भट्टी, इसके आगे बात होगी आपके साथ हमारा वात्या भट्टी, मफल भट्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ। ठीक है, ये दोनों दोनों भट्टियां जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भट्टियां हम बताएंगे आपको, इसमें सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब हम अगले वीडियो के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तब वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।